हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लाई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है एन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटमिक न्यूक्लाई पे बेस्ड है लेट फर्स्ट डिस्कस द मैग्नेटिज्म ऑफ एटमिक न्यूक्लाई इसलिए सबसे पहले हम एटमिक न्यूक्लाई के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे एटम्स कंजिस्ट ऑफ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड एट अ रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज डेंस न्यूक्लियस होता है और उसके बहुत दूर वाले डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है एट दिस स्टेज वी विल इग्नोर द इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसेंट्रेट ऑन द न्यूक्लियस इस स्टेज पे हम जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे हमारा कंसंट्रेशन जो है वो एटम के न्यूक्लियस पे होना चाहिए वी कैन कंसिडर इट टू बी स्पेरिकल स्पिनिंग ऑब्जेक्ट विद ऑल ऑफ इट्स चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस हम न्यूक्लियस को जो है एक स्पेरिकल स्पिनिंग ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जो कि स्पिन करता है और उसका चार्ज जो है उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ होगा पॉजिटिव चार्ज दिस मॉलिक्यूल इज कोर्स कंसिडरेबली ओवर सिंप्लीफाइड सिंस एटमिक न्यूक्लाई आर पॉजिटिवली चार्ज दे कैन ऑल्सो

द सर्कुलेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक डायपोल और जब चार्ज क्या होता है सर्कुलेट होता है तो क्या जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इस केस में भी मैग्नेटिक डायपोल जनरेट होगा अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन तो ये है हमारा फिगर नंबर सेकेंड स्पिनिंग प्रोटोन रिजेबल्स अ टाइनी मैग्नेट ये हमारा न्यूक्लियस है प्रोटोन है जो कि क्या कर रहा है स्पिन कर रहा है और उसकी वजह से हमें मिलेगा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू द इंट्रेंसिक मैग्नेट्यूड ऑफ द डायपोल जेनरेटेड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू जो मैग्नेटिक डायपोल जेनरेट होता है चार्ज के स्पिनिंग की वजह से उसको हम म्यू से डिनोट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को म्यू मीन्स दैट द मैग्नेटिक मूमेंट इज अ वैक्टर और अगर म्यू के ऊपर एरो है उसका मतलब है ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है वी नो फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स दैट एनी काइंड ऑफ स्पिनिंग बॉडी हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम क्लासिकल फिजिक्स से हमें पता है कि कोई भी स्पिनिंग बॉडी जो है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है

जिसको हम पी से डिनोट करेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे और वो दोनों वेक्टर्स है पैरेलल वेक्टर्स वो बराबर होगा म्यू इज इक्वल टू गामा पी और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे वे म्यू मैग्नेटिक मोमेंट जहाँ पे ये जो म्यू है वो मैग्नेटिक मोमेंट है पी एंगुलर मोमेंटम पी जो है वो एंगुलर मोमेंटम है एंड गामा इज गायरोनेटिक रेशियो और ये जो गामा है उसे हम कहते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो तो यही रिलेशन है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का फिर उसके बाद आता है स्पिन क्वान्टम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एनिमार स्पेक्ट्रोस्कोपी है उधर स्पिन क्वांटम नंबर्स का भी कंसेप्ट पता होना जरूरी है उसका क्या लेना देना है एनिमार स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसके बारे में हम पढ़ेंगे बिफोर वी डिस्कस द बिहेवियर ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ एनी काइंड ऑफ एलिमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल कैसे बिहेव करता है उसको डिस्क्राइब करने से पहले हमें जो स्पिन है उसके बारे में पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ जो स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन का वो होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ These numbers indicate that the electron can only have two possible spin orientations. और ये जो spin quantum numbers have वो क्या indicate करता है electron का सिर्फ दो ही possible spin orientation होता है position होता है उसको indicate करता है वी यूजअली शो दीज ऑरिएशन बाई एरो आइदर अप और डाउन और इस ऑरिएटेशन को हम एक एरो एरो से रिप्रजेंट करते हैं या इस वाले एरो से या इस वाले एरो से एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग न्यूक्लाई विल दैन ऑल्सो हैव न्यूक्लियस स्पिन क्वान्टम नंबर सिंस दे आर चार्ज स्पीशीज क्योंकि वो चार्ज स्पीशीज है जैसे इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर्स होता है उसी तरीके से ये जो न्यूक्लियस है स्पिनिंग न्यूक्लाय है उसका भी स्पिन क्वांटम नंबर होगा क्योंकि वो चार्ज्ड स्पीशीज है एस वी विल शो लेटर वेदर अ गिवन एलिमेंट इज एक्टिव इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और नॉट स्लोली नॉट सोली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर आई और जो न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर है उसको हम आई से डिनोट करेंगे कैपिटल आई से और हम बात में देखते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव है या नहीं है यानी कि वो इस पिन न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड होता है या नहीं होता है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ़ द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एनी गिवन न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर और जो एक्चुअल वैल्यू होता है न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर का किसी भी न्यूक्लियस का वो मास नंबर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं और वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है उन दोनों पे डिपेंड होता है कंसिक्वेंटली द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर्स और जो आइसोटॉप्स है एलिमेंट का उसका डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर्स होगा क्योंकि उसका मास नंबर अलग होता है हाउ एवर द स्पिन क्वाटम नंबर कैन नाट बी डिटरमाइन यूजिंग द नंबर ऑफ़ प्रोटोस एंड न्यूट्रॉस इन द न्यूक्लाई लेकिन जो स्पिन क्वाटम नंबर है वो नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स और न्यूट्रॉस इन द न्यूक्लाई डिटरमाइन नहीं करता है देर आर सम वेरी यूजफुल जनरलाइजेशन बिटवीन स्कून बिटवीन स्कून कोटम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटोस एंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे ये कहा है कि जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वो मास नंबर और अटोमिक नंबर पर डिपेंड होता है मास नंबर अलग होता है अलग अलग आइसोटोप्स में तो इसके मतलब ये हुआ कि अलग अलग आइसोटोप्स का अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर होना चाहिए लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द द्यूक्लाई पे डिपेंड नहीं होता है कुछ यूजफुल यूजेशन है न्यूट्रॉन्स का वो नीचे दिया है उसको समझते हैं तो यहाँ तक हमने किया था इवन इवन एलिमेंट्स अब इवन इवन एलिमेंट्स क्या होता है उसका एनिमा स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या लेना देना है स्पिन क्वांटम नंबर से क्या लेना देना है देखते हैं द एलिमेंट्स हुज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर्स आर इवन बिलोंग टू दिस ग्रुप इवन इवन एलिमेंट्स उस एलिमेंट को कहेंगे जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर मास नंबर को हम ए से डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे दोनों इवन होगा तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड नहीं है ये इस चीज़ पे डिपेंड है कि ये इवन है कि ऑट है ठीक है वही ऊपर लिखा है तो इवन इवन एलिमेंट्स में दोनों मास नंबर और अटोमिक नंबर जो है वो क्या होगा इवन होगा फॉर एग्जाम्पल कार्बन टूवेल्व जो कार्बन टूवेल्व सिक्स है उसका अटोमिक नंबर कितना है अटोमिक नंबर है सिक्स और ये है मास नंबर मास नंबर है टूवेल्व दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो टूवेल्व है और उसी तरीके से ऑक्सीजन का जो अटोमिक नंबर है वो है एट और मास नंबर है सिक्सटीन दोनों ईवन है ये है सिक्सटीन सल्फर का अटोमिक नंबर मास नंबर है थर्टी फोर वो भी ईवन है तो ये जो है एग्जाम्पल है ईवन ईवन एलिमेंट्स का अब कार्बन ट्यूबल में सिक्स प्रोटॉन्स और सिक्स न्यूट्रॉन्स होता है दिस इज़ कार्बन और ये है हमारा उसका अटोमिक नंबर और ये है उसका मास नंबर मास नंबर में आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ऑटोमिक नंबर के बराबर होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मास नंबर कितना है कार्बन टूल्व के लिए टूल्व है यहाँ पे टूवेल्व पुट करेंगे अटोमिक नंबर सिक्स है सिक्स पुट करेंगे इसका साइड चेंज करेंगे तो होगा टूवेल्व माइनस सिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज सिक्स टूवेल्व में से सिक्स माइनस करेंगे तो बचेगा सिक्स तो होगा सिक्स न्यूट्रॉन्स तो हमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए ठीक है सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है सिक्सटीन माइनस एट होगा एट तो एट न्यूट्रॉन्स है द न्यूक्लियस पिन क्वांटम नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आइसोटोब्स दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप इज जीरो और जितने भी एलिमेंट्स या आइसोटॉब्स जो कि

और एलिमेंट जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ऑट होगा वो ऑट ऑट एलिमेंट्स वाले ग्रुप में आएगा फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन है यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ऑट है या फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है दोनों ऑट है तो ये जो है ऑट ऑट एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन हैज ओनली वन प्रोटोन हाइड्रोजन में वन प्रोटोन होगा एंड डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन्स और वन माइनस वन होता है जीरो तो उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा और उसी तरीके से फ्लोरीन में प्रोटोन होगा नाइन नाइनटीन माइनस नाइन होता है टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा टेन फिर उसके बाद आता है ऑट एलिमेंट्स द एलिमेंट्स मास नंबर आर एंड एटॉमिक नंबर आर इवन बिलोंग टू दिस ग्रुप पहले आएगा मास नंबर फिर आएगा अटोमिक नंबर तो वो एलिमेंट जिसका मास नंबर ऑट है लेकिन अटोमिक नंबर इवन है वो इस ग्रुप में आएगा फॉर एग्जाम्पल कार्बन थर्टीन कार्बन थर्टीन में क्या है ये आइसोटॉप है कार्बन का मास नंबर जो है वो उसका थर्टीन है नंबर जो है वो 6 है, वो तो इस ग्रुप के थर्टीन में आएगा. और उसी से सिक्स निकालेंगे तो सेवन न्यूट्रॉन्स होगा द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप ऑट ऑट एंड ऑट इवन आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ वन अपॉन टू और जितने भी एलिमेंट्स जो इस ग्रुप में बिलोंग करेगा यानी कि ऑड ऑट एलिमेंट्स में या ऑड इवन एलिमेंट्स में क्या होगा उधर जो है इंटीगर मल्टीपल ऑफ वन अपॉन टू उसका जो i का वैल्यू है वो इंटीजर इंटू वन अपॉन टू के बराबर होगा ठीक है ये सारे नंबर होगा यानी कि i का जो है कोई वैल्यू होगा फिर उसके बाद आता है इवन ऑट एलिमेंट्स यहाँ तक हमने किया इंटरगल मल्टीपल मीन्स वन अपॉन टू इंटू कोई इंटीजर आएगा दिस इज़ वन अपॉन टू वन अपॉन टू इंटू थ्री वन अपॉन टू इंटू फाइव वन अपॉन टू इंटू सेवन वन अपॉन टू इंटू नाइन वही आया है फिर उसके बाद आता है इवन ऑट एलिमेंट्स द एलिमेंट्स हुज मास नंबर आर ईवन एलिमेंट जिसका मास नंबर ईवन होगा एनाटोमिक नंबर आर ऑट बिलोंग टू दिस ग्रुप लेकिन जो ऑटोमिक नंबर है वो ऑट होगा वो इस ग्रुप में बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन टू आइसोटॉप है वो जो है इस ग्रुप में बिलोंग करता है नाइट्रोजन फोर्टीन यहाँ पे जो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन टू को हम ड्यूटेरियम कहते हैं उधर जो है डी से भी डिनोट करते हैं प्रोटोन जो है वो वन है और न्यूट्रॉन टू माइनस वन होता है वन वन न्यूट्रॉन है द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर आई ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू दिस ग्रुप आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ वन और जितने भी एलिमेंट्स जो इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वन के उसका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है वन इंटू एनी इंटीजर यहाँ पे एन कोई नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव उसके बराबर होगा यहाँ पे आई जो है किसके बराबर होगा वन एन इंटू वन अपॉन टू के जहाँ पे एन जो है कोई इंटीजर है वन टू थ्री फोर सो ऑन तो इसको हमें याद रखना है और जब इवन इवन होता है तब आई जो है वो जीरो के बराबर होता है इन इनसम रीन्यूक्लाय एज कार्बन टूवेल ऑक्सीजन थर्टी टू सल्फर थर्टी फोर है उसका कोई भी नहीं होता है आई डू नॉट एम एनएमआर स्पेक्ट्रा और ये जो न्यूक्लाय है और ये जो न्यूक्लाय है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देता है अदर विद स्पिन क्वांटम नंबर आई ग्रेटर देन जीरो और दूसरे न्यूक्लाय जिसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है जीरो से बिगर होता है आर एक्टिव एंड डू इन फैक्ट यील एनिमार स्पेक्ट्रा वो जो है एनीमार स्पेक्ट्रा देता है फिर उसके बाद दिया है प्रोसेस जो एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एन एम आर स्पेक्ट्रम है वो हमें कैसे मिलता है उसके बारे में पढ़ते हैं इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वी आर स्टडी न्यूक्लाई जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम न्यूक्लाई को स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट रेजोनेंस मीन्स जब फ्रीक्वेंसी मैच होता है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं तो इधर हम न्यूक्लाई के बारे में पढ़ते हैं वे इट स्पिन इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे न्यूक्लाई के स्पिन होने की वजह से न्यूक्लियस के स्पिन होने की वजह से वो जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है लाइक अ मैग्नेट विथ अ नॉर्थ एंड सोर्थ पोल द न्यूक्लियसो हैज अ मैग्नेटिक फील्ड जैसे एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ और सोर्थ पोल होता है उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है विथ अ डायरेक्शन जिसका एक डायरेक्शन होगा द जेनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो जो स्पिनिंग न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड को जेनरेट करेगा जिसका डायरेक्शन जो है हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे इन अल्यूशन देयर आर थाउजेंड था जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑल इन रैंडम डायरेक्शन एक सोल्यूशन को अगर हम कंसिडर करेंगे तो उधर थाउजेंड ऑफ एटम्स होगा तो थाउजेंड ऑफ न्यूक्लाय होगी न्यूक्लियस होगा थाउजेंड ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लाय होगा जो की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो रैंडम होगा वो किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट इज अप्लाइड टू अ अ सॉल्यूशन विद रैंडमली स्पिनिंग एटम्स एटम्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर टू अलाइन देमसेल्फ पैरेलल टू द इंस्ट्रूमेंट फील्ड तो ये है हमारा सॉल्यूशन सपोज इधर जो है मैग्नेट जो अलग अलग एटम्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके बैठा हुआ होगा रैंडमली और जब यहाँ पे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो उससे इसमें चेंजेस आएगा सारे जो है वो अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायक्शन में कुछ को छोड़ के ठीक है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम्स आर फोर्स टू अलाइन दम सेल्फ पैरल टू द इंस्ट्रूमेंट फील्ड आइर विथ और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फील्ड जितने भी एटम्स के अंदर मैग्नेट है वो ये जो इंस्ट्रूमेंट का फील्ड है उससे पैरल होगा ऐसे प्रेजेंट नहीं होगा हॉरिजेंटली या ऐसे डायरेक्शन में पैरल होगा डायरेक्शन जो है वो उसका कुछ भी हो सकता है विथ हो सकता है या अगेंस्ट हो सकता है द इंस्ट्रूमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये सिंबलाइज़ एच एच ये जो इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एच अप्लाइड से डिनोट करेंगे जहाँ पे ए पी पी जो है वो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे सो so, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये जो है ऐसे करके स्पिन करता है स्ट्रक्चर है और जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा तो सल्यूशन के अंदर जो एटम्स है उनका न्यूक्लाई जो है वो अपने मर्जी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा वन अलाइन विद एक्सटर्नल मैग्नेट्स फील्ड जब जो है एक्सटर्नल मैग्नेट्स फील्ड ये हमारा एक्सटर्नल मैगनेट्स फील्ड है सपोज करते हैं उसके साथ जब अलाइन होगा तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा वन अलाइन अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैगनेट्स फील्ड जब वो जो है एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड के अगेन अलाइन होगा ये हमारा है एक्सटर्नल मैग्नेट्स फील्ड उसके अगेंस्ट है तो वो इस डायरेक्शन में होगा ऑपोजिट ठीक है वही दिया है ये अलाइन है और ये अगेंस्ट है ओवरऑल यू सी अ मिक्सचर बट मोस्ट ऑफ द एटम्स विल अलाइन दम सेल्फ पैरल एंड विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन जिस फ्यू विल बी पैरल एंड अगेंस्ट और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो सल्यूशन के अंदर जो भी छोटे मैग्नेट्स है एटम्स है वो जो है सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे कुछ को छोड़ के सम फ्यू को छोड़ के सारे जो है एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच इज़ अ लोअर एनर्जी स्टेट और इस इंफॉर्मेशन पे बेस अगर हम एक क्वेश्चन पूछे कि कौन सा एनर्जी स्टेट लोअर है जो अलाइन है डायरेक्शन में वो वाला लोअर है या अगेंस्ट है वो वाला जो है लोअर होगा एनर्जी में ठीक है तो क्वेश्चन यही है कि जो अलाइन है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में उसका एनर्जी कम होगा या जो अगेंस है उसका एनर्जी कम होगा सिंस मोस्ट ऑफ द न्यूक्लाय अलाइन दैम सेल्फ विद डेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादातर न्यूक्लाई है वो जो है इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से खुद को अलाइन करता है इट मस्ट बी नेचुरली लोअर एनर्जी स्टेट और ये जो है लोअर एनर्जी स्टेट होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो न्यूक्लाई है वो इस वाले फॉर्म को चूज कर रहा है क्योंकि ये स्टेबल होगा स्टेबल होगा तो एनर्जी स्टेट जो है वो कम होगा तो ये है हमारा एक्सटर्नल फील्ड और उसके डायरेक्शन में सारे प्रेजेंट है और ये स्टेबल होगा इसलिए जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लाई है वो उस डायरेक्शन में है स्टेबल मींस एनर्जी स्टेट कम होगा एनर्जी उसकी कम होगी और ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वही फिगर दिखाया है ये है एनर्जी और ये है एक्सटर्नल फील्ड उसके डायरेक्शन में है तो ये है हमारा लोअर एनर्जी स्टेट और ये है हमारा जो कि अगेंस्ट है वो है हमारा हायर एनर्जी स्टेट ये है एनर्जी जो नीचे है वो कम होगा जो ऊपर है वो ज़्यादा होगा उसी को हमें उस स्पेस में ड्रा करना है इसी इस वीगर को हमें जो स्पेस दिया है उधर ड्रॉ करना है इधर ड्रॉ करना है ठीक है जो फिगर यहाँ पे दिया था ऐसे करके एनर्जी और ये है हमारा एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एच ए ए पी और ये है लोअर और ये है हायर द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ दीज टू एनर्जी स्टेट्स डेल्टा ई इज़ वेरी स्मॉल और इन दोनों एनर्जी स्टेट का सपोज इसका एनर्जी इधर है इसका एनर्जी इधर है ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होगा इसका जो एनर्जी है वो रेडियो वेव्स रीजन में आ जाएगा इफ़ एनर्जी ऑफ द करेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी इज़ अप्लाई टू द सिस्टम, द एनर्जी इज़ अब्सॉर्ब्ड एंड द न्यूक्लियस इन द सिस्टम कैन जम्प टू हायर एनर्जी स्टेट और जो एनर्जी है करेक्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी का अगर इस सिस्टम पे अप्लाई हुआ तो वो एनर्जी जो है अब्सॉर्ब होगा और जो न्यूक्लियस है सिस्टम में वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा इस स्टेट में चला जाएगा एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ये जो न्यूक्लाई है वो इस स्टेट में चला जाएगा वेन दिस अक्वेयर इट मस्ट इन्वर्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड बाय इन्वर्टिंग इज स्पिन इन द प्रोसेस तो इसका तो स्पिन उल्टा है तो ये जब होगा तो उसका जो स्पिन है वो उल्टा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उसका उल्टा होना चाहिए दिस इज कॉल्ड स्पिन फ्लिपिंग तो यही चीज़ होगा जिसको हम स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं ये इस स्टेट में जाएगा तो उसमें चेंज आएगा वो फ्लिप करेगा तभी तो इस स्टेट में आएगा फ्लिप करने वाला जो एंटाई डायरेक्शन में है उसका एनर्जी हाई है तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो इस फॉर्म का बन जाएगा इस फॉर्म से फ्लिपिंग हुआ ना तो उसको हम कहेंगे स्पिन फ्लिपिंग क्योंकि ये होने के लिए स्पिन का भी फ्लिप होना इन्वर्ट होना ज़रूरी है मैग्नेटिक फील्ड को इन्वर्ट करना पड़ेगा स्पिन को फ्लिप करके इन्वर्ट करके तो यहाँ पे हमें जो स्पिन है अगर पहले ऐसे है तो उसको हमें फ्लिप करके ऐसे करना होगा तभी जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा ये वाला फ़िगर हमें ड्रा करना है जो कि दिया है इधर ठीक है इस पिन को हमने फ्लिप किया है यही हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे हम लिखेंगे स्पिन फ्लिपिंग तो यहाँ पे दिया है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस द न्यूक्स एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर सेट टू बी इन रेजनेंस एट द फ्रीक्वेंसी वन स्पिन फ्लिपिंग अक्वेर न्यूक्लियस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेजनेंस में है हम तब कहेंगे जब स्पिन फ्लिपिंग अक्वेर होता है और एनर्जी जब स्प्लिन स्पिन फ्लिपिंग अक्वेर होता है उस एनर्जी वो एनर्जी जो है डिटरमाइन करता है कि NMR स्पेक्ट्रा जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ अपेयर होगा एनिम स्पेक्ट्रा एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस एक्स किस रीजन में कहाँ पे अपेयर होगा वो यही जो फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी है वो डिसाइड करता है